तो हेलो मेरे प्यारे गेमर्स भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का रेंट सिमुलेटर के एक और नए एपिसोड में। एंड अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड मिस कर दिया ना तो भाई जरूर से देखें, क्योंकि हम लोगों ने मीट बॉल बेचा हुआ है भाई। कतई पैसे ही पैसे हो गए थे पिछले एपिसोड में भाई, मजा आ गया था। एंड मल्टीप्लेयर भी बहुत ज्यादा थे तो हमको बहुत ज्यादा पैसा मिला है। तो ये एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना, प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। एंड एक्चुअली यहाँ पर मैं एक्सप्लोर कर रहा था मैप पे, तुम देख सकते हो इस तरह मैं कभी आया नहीं हूँ, तो मैं हंटिंग के लिए निकला था। तो भाई तुम लोग सोच नहीं सकते मेरे को क्या मिला है। मतलब लिटरली मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ पर सिर्फ मेरा ही रेंच है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत लोगों का रेंच है। बहुत लोगों का तो नहीं, बट यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक दादी अम्मा बैठी हुई है भाई। यहाँ पे देखो तुम लोग, ये देखो इनका भी एक रेंच है भाई। कसम से मैं तो पागल हो गया, मतलब सीरियसली, मतलब मेरे को पता ही नहीं है यहाँ पर भी कोई और भी यहाँ पर रेंच संभाल रहा है। तुम लोग देख सकते हो यार। एंड मेरे भाई लोग सॉरी यार, अगर मेरा आवाज तुम लोगों को थोड़ा अजीब सा आ रहा होगा, तो मतलब मेरा तबीयत खराब है। तो किसी भी हालत में मेरे को वीडियोस डालना था, क्योंकि मैंने एक दिन गेप कर दिया था और मतलब मेरे को गेप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों को बता दिया था कि मेरा तबीयत खराब है। एंड यार तुम लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पर देखो तुम लोग भाई, और ये बंजर जमीन काहे पड़ी हुई है। पहले दादी अम्मा से बात कर ले हम लोग, लेट्स गो। दादी अम्मा तो एकदम से थकी हारी ऐसा लग रहा है। इसके अंदर नहीं जा सकता क्या? ना, घर के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ मैं, पहले दादी अम्मा से मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ दादी अम्मा, दादी अम्मा बोल रही ब्रेकफास्ट, मतलब कि आप अपने लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बना सकती हो, मतलब कि ये मेरे को बोल रही है शायद ब्रेकफास्ट के लिए। एंड यहाँ पर शायद मैं ब्रेकफास्ट पे क्लिक क्लीनिंग, अच्छा इनको, अच्छा यार ये बुढ़ी हो चुकी है ना, इसलिए क्लीन वगैरह नहीं कर पा रही है। सीरियसली ब्रो, मेरे को बुरा लग रहा है यार, इनकी हेल्प हम लोग को करनी चाहिए। क्या पता यार हम लोग इसकी अगर हेल्प करें तो सोना चांदी जवाहरात जो इनके पास रखा हुआ है वो हमको दे दे है। चलो पहले तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए पूछ लेता हूँ, यहाँ पे क्या क्या बोलना चाह रहा है माय डियर। ओके, यहाँ पर इनको मेरे को एग्स एंड पर्क ला के देना है। ओके, इनके ब्रेकफास्ट के लिए ये सब ला के देना, ये तो इजी में ला लूंगा यार। अंडे चाहिए एंड पर्क चाहिए। तो यार कितने अंडे चाहिए? अंडे दादी जी को 6 चाहिए और पग डिलीवर्ड भाई 2 चाहिए सिर्फ, मतलब मीट सिर्फ 2 चाहिए। पहले मेरे को अपने रेंच पे जाना पड़ेगा इसके लिए। यस भाई, रेंच पे जाना पड़ेगा तभी मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, मतलब वहीं से ही तो उठा के लाऊंगा ना मैं। तो जल्दी से मैं अपने रेंच पे पहुंच जाता हूँ। एंड फाइनली यहाँ पर मैं रेंज पे आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर मेरे को मुर्गियों के अंडे, कितने सारे मुर्गी के अंडे भाई, वैसे अंडे तो बहुत सारे हैं यार, या बहुत सारे। और तुम लोग देख सकते हो मेरी रेंच यहाँ पर है, और वो जो दादी का घर मिला था ना वो इस बंजर जमीन पे मिला था। तो मैं इसको मार करके रख लेता हूँ ताकि मैं भूलू ना वहां पे जाना है मेरे को। तो यहाँ पर से जल्दी से मैं अंडे कलेक्ट कर लेता हूँ, या अंडे कलेक्ट करना है और मीट मेरे को कलेक्ट करना है, तो जल्दी जल्दी से अपन वो काम कर लेते हैं भाई। कोई बात नहीं, अगर दादी जी को और चाहिए ना, हम फ्री में भी दे देंगे भाई उनको। भाई मेरे को तो सच में बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, उनका अगर पोता होता नहीं है तो यार पूरा रेंच को मेरे नाम कर सकती है ना वो। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको पाल लूंगा, खुशी खुशी पाल लूंगा भाई। देखो मैं कितना अच्छा लड़का हूँ, है सबके बारे में सोचता हूँ मैं। कितने है गए? 18 है गए। एंड यहाँ पर मैं पूरा का पूरा मीट को भी लोड कर दिया, मतलब जितना मीट चाहिए ना दादी जी को उनसे ज्यादा रखा हुआ हूँ, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा देने वाला हूँ भाई मैं, समझ रहे हो। तो या दादी जी के पास जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं जल्दी से वहां पर पहुंच जाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो या हम लोग यहाँ पर दादी जी के पास पहुंच चुके हैं। दादी जी आपके लिए हम लोगों ने ये एग लाया हुआ, ये लो आपके चरणों पे रख दिया हम लोगों ने, या फिर रख नहीं पा रहा हूँ। ओके, 18 एग लाया हूँ, दादी जी ने 6 एग मंगाया था सिर्फ। देख रहे हो दादी जी मैं कितना बड़ा दिलदार हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि रेंच ना मेरे नाम कर दो। और यहाँ पर मेरे को दादी जी बोला हुआ था, उनका हम लोगों ने काम तो कर दिया है, थैंक यू। 100, अरे पैसे भी देती है ये दादी जी, मतलब कि मेरे को इनके क्वेस्ट जो है वो कंप्लीट करूंगा तो थैंक यू सो मच। वैसे ये भाई कायदे से 6 ही बस एग ली हुई है, वो 12 एग जो है ना वो वहां पे वापस रखती भाई, तो ठीक है अच्छी बात है। इनका और भी क्या है, क्लीनिंग करना है क्या मेरे को? कहाँ की क्लीनिंग करनी भाई मेरे को? विंड मिल को डिमोलिश करना है, लेट्स गो भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैं विंड मिल तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हूँ, क्योंकि तोड़ने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। यस भाई, मतलब कि ये भी तोड़ना, अच्छा ये क्लीन करना है और ये तोड़ना है मेरे को विंड मिल। ओके ठीक है, मैं अब भी तोड़ता हूँ मैं, ये रिमूव करना है मेरे को, ठीक है भाई अब भी रिमूव करता हूँ मैं। तो दादी जी ये पहले तोड़ लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि दादी जी हम लोग को क्या ऑर्डर करती है। लेट्स गो भाई, जल्दी जल्दी से हो जाए मेरे भाई, क्योंकि रात भी होने वाला है, और रात होगा मतलब कि भाई यहाँ पर भालू वालू आते रहते हैं भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं, दो चार भालू को तो ऐसे ही निपटा दिया यहाँ पर मैं। हाँ भाई सच में भाई, रात में तो और भालू आते हैं यहाँ पे दबा दबा के, तो यार थोड़ा खतरा तो बनता रहता है। ओके, यहाँ पर पूरा का पूरा विंड मिल जो है हम लोगों ने डिमोलिश कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे को ट्रैश जो है वो रिमूव करना है। देख लो दादी जी आप कितना ज्यादा गंदा रखी हो अपनी रेंच को, बान हाउस की तो ऐसी तैसी हो रखी है। आप बोलो तो मैं बोल तो रहा हूँ ना आपको, मेरे यहाँ लेके चलता हूँ मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये रेंच बस मेरे नाम कर दो, बस अब भी निकल जाऊंगा मैं, मतलब आपको लेके चला जाऊंगा अपने रेंच में, शांत से रहोगे फिर आप हैं।
अगर मान जाए तो अच्छी बात है यार, नहीं तो ना माने तो मेरे क्या गलती भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके यहाँ पर कभी ट्रेस है जो मैं, यही तो मैं ढूंढ रहा था कहाँ पर है करके, देखो हम लोगों ने पूरा कर तो दिया है। अब दादी जी से शायद मेरे को बात करनी है, लेट्स गो भाई दादी जी से बात करने है, एंड उसके बदले मेरे को क्या मिलता है देखते हैं भाई। मेरे ख्याल से अच्छा चीज मिलना चाहिए, मेरे को लगता है कि अपना सोना चांदी जवाहरात को दे तो नहीं देगी भाई मेरे को, खुश होके मेरे से, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड या अभी यहाँ पर मैंने क्लीनिंग इज कम्प्लीट, या हम लोगों ने कम्प्लीट कर दिया, $300 मिला मेरे भाई यहाँ पर, सीरियसली मतलब इतने से काम करने के ₹300। अनोइंग फॉक्सेस, ओके जो फॉक्स है ना इनके चिकन को पूरा मार रहा है, तो फॉक्स को हम लोगों को मारना है, तो फॉक्स कहाँ पे वो देखना पड़ेगा मेरे को। अच्छा दो फॉक्स को मेरे को यहाँ पर किल करने हैं, ओके लेट्स गो भाई, यहीं पर ही होगा। ये चिकन वाला कुक तो यहाँ पर है, चिकन यहाँ पे है एक्चुअली पे, ये चिकन का दरवाजा मैं खोल नहीं सकता हूँ, इनके चिकन पे अंडे ही नहीं है, इसलिए शायद अंडे मेरे से मंगाई है ये, है सही है। लेकिन यहाँ पे फॉक्स कहाँ पे है, भैया तुम किधर हो, तुम्हारी ऐसी तैसी करने वाला हूँ मैं। ओए सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, वहां पे देखो तुम लोग को दिख रहा है, अबे दो दो फॉक्स तो सामने दिख रहे हैं मेरे को, ये देखो ये देखो। अबे यार इतनी जल्दी मिल जाएंगे, मेरे को लगा था कि इनको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। अरे मर जा मेरे भाई, अबे ये तो भाग रहे हैं, नहीं 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 मर गया ना तेरी ऐसी की तैसी भाई, है हमसे बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ओके लेट्स गो, अबे तू कहां भाग रहा भाई, रुक जा बोल रहा हूं ना मैं। अरे अबे हमसे पंगे ले रहा था बुढ़वा कहीं का, इसका मीट मैं ले सकता हूं क्या? ओके स्कीन करके दादी जी के पास लेके चले जाता हूँ। हेलो दादी जी, प्रूफ के लिए लेके जाना पड़ेगा ना भाई दादी जी के पास में। अभी यहाँ पे कितने सारे फॉक्सेस हैं, इनको भी मारना है क्या मेरे को, इनकी ऐसी कितनी थी भाई। अरे 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 देखो इन लोग डर के सब भाग गए मेरे से, इसलिए तो बोल रहा हूँ दादी जी आप मेरे रेंज पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेंज को बस मेरे नाम कर देंगे ना तो इसको इतना ज्यादा प्यारा बना दूंगा ना रेंज को, आपने सोचा ना होगा कभी फिर तो। और ये मेरे को दो फॉक्सेस मारने बोली थी भाई, ज्यादा नहीं मारूंगा, जितना मेरे को ऑर्डर दिया गया था। ये लो दादी जी हम लोग ने मार दिया फॉक्स को, उसका मीट मैंने यहाँ पर लाके रख दिया है, और यहाँ पर मैं आपका काम कर दिया हूँ। कितना रुपए मिलेगा, ₹200 यार। अरे यार कम से कम थोड़ा 300-500 तो दे देती डॉलर मेरे को, ये गलत बात है भाई। एंड दादी जी से और क्या बात करो, गुड बाय है, बस इतना ही काम करना था दादी जी का। यार ये तो गलत बात है, मेरे को भगा रही है आप गुड बाय बोल के, यार मतलब बस यही काम कराना था आपको मेरे से, ये बहुत ज्यादा गलत बात है दादी जी, बहुत ज्यादा गलत बात है। आप मेरे को पैसे भी दे सकती थी, ज्यादा होगा तो बता रहा हूँ ये रेंज हड़प लूंगा मैं आपका। हाँ नहीं तो भैया अंडा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यार ये अंडे को अब दादी जी रख नहीं रही है, तो मेरे बेचने का काम आने वाला है। लेट्स गो भाई, एंड इस वाले रास्ते में क्या होने वाला है, अच्छा हार्डवेयर शॉप वापस से आने वाला है, एंड मेरे को और भी जगह पे एक्सप्लोर करना है। मतलब कि मेरे भाई लोग, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पर एक्सप्लोर और भी क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मेरे को लगता था यार कि सिर्फ हम लोग फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं, मतलब अपने रेंच को हम लोग और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, रेंच के अलावा भी हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं भाई। वेरी इंटरेस्टिंग यार, सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि यहाँ पर और भी बहुत सारे मिशंस है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना तुम लोग। एंड यार या आज का एपिसोड मैं बहुत ज्यादा छोटा बना रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी यार, क्योंकि लिटरली मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मतलब बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट मेरे को बहुत ज्यादा मन था आप लोगों के लिए वीडियोस तैयार करना, तो या मेरे को लगा कि मेरे को वीडियो बना देनी चाहिए रेंच सिमुलेटर की, क्योंकि मैं बहुत टाइम से नहीं बनाया हुआ हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो और तुम लोगों को मेरा गेम प्ले अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसा ही मजेदार गेम प्ले लाते रहता है। एंड हाँ आज का वीडियो एकदम छोटा था, तो आप लोग मेरा प्ले लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैंने रेंच सिमुलेटर की और भी बहुत सारे वीडियोज डाले हुए हैं, स्टोरी मोड्स भी गेम खेल रखा हुआ हूँ, एंड रेसिडेंट इविल 4 रीमेक जो भी रिसेंटली रिलीज हुआ है वो भी खेल रहा हूँ, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो तुम लोग जब तक से मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे, तब तक से मैं तुम्हारे लिए एक नया सा प्यारा सा एकदम खतरनाक सा गेम प्ले रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।